अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह के परेशानी और बीमारी से बचाए। आमीन सुम्मा। आज हम लोग झींगा आलू की रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं। झींगा आलू देखो कितना अच्छा बनाई हूँ, कलर भी कितना अच्छा दिख रहा है इसका, और खाने में भी बहुत टेस्टी था। ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं झींगे, आजकल बहुत आ रहे हैं, अच्छे मीठे झींगे लगते हैं। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ इसके इंग्रेडिएंट। बहुत ही टेस्टी डिलीशियस बना था, तो इसलिए मैंने आप सबसे ये रेसिपी शेयर की हूँ, तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए नोट करते हैं इसके लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले तो मम्मी ने यहाँ पे प्रॉन्स लिए थे, ये कितने थे? 300 ग्राम प्रॉन्स है। ये झींगे हैं, मैंने साफ करके 2-3 पानी से फिर पानी में इसको भिगो के रखे हैं। और ये है 3 प्याज है, चॉप करके ली हूँ। ये देखो इस तरह चॉप की, 4 मीडियम साइज़ की प्याज थी। और ये 2 कड़ी पत्ते के डंडी थी, इसको भी धो के रखा हुआ है। और एक टमाटर डाली हूँ, और थोड़ी ये हरा धनिया है, और 2 आलू है। 2 आलू को मैंने इस तरह चॉप की हूँ, आपको जैसा चाहिए वैसा आप कर सकते हो। और ये सब मसाले हैं जो उसमें जाएंगे, झींगा आलू में जाएंगे। और फिर कोथमीर को इस तरह काट ली हूँ, हरे धनिया को ऐसा काट ली हूँ, तो ये बारीक बारीक हो जाता, छुरी से भी अच्छा कैंची से कटता है। और ये 3 चम्मच तेल डाली हूँ। अभी मैं इसको ब्राउन करूँगी, इसमें हल्का ब्राउन करूँगी। तेल गरम करके उसमें प्याज डाल दी हूँ, चॉप की हुई प्याज है ना, जल्दी गल जाती है। इस तरह मैं उसको ब्राउन करूँगी। और एक कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता इसमें डाल देने का, प्याज में अच्छी खुशबू आ जाती है, प्याज भूनते टाइम पे डाल देने का। उसको ऐसा सौते करने का। ये देखिए यहाँ पे प्याज सौते हो रही है। तो सबसे पहले मम्मी ने तेल लिए थे, इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज को अच्छे छोटे चॉप्ड कर लिए थे। और फिर उसमें 4 से 6 करी लीव्स डाले थे, और अभी मम्मी इसे अच्छी तरीके से सौते कर रहे। इतना सौते करना है कि आप ये थोड़ा सी लाइट गोल्डन सा हो जाए, ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। जैसे ही लाइट गोल्डन सा हो जाएगा तो इसमें हम बाकी सारी चीज़ें डालेंगे, तो ये देखो गोल्डन ब्राउन हो गई। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पे हमने रेसिपी शेयर की है प्रॉन्स की, लेकिन मैं प्रॉन्स करी थी और उसमें खोपरा गया था। हाँ, और उसमें फल्ली थी और इसमें आलू है। मैं अलग अलग टाइप से बनाती भी हूँ और बताती भी हूँ। और उससे भी पहले हमने किए थे वो ड्राई रोस्ट करके, उसमें ना एक टमाटे को मम्मी ने चूल्हे पर भुने थे। तो ये थर्ड टाइप, अलग डिफरेंट टाइप की है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अभी इसमें मम्मी ने 2 आलू डाल दिए है। हाँ, ये आलू को है ना मैंने प्याज में इसके लिए भूनती हूँ कि उसको अच्छे से तेल लग जाए, तो गल जाते हैं, आधे गल जाते हैं प्याज में, और फिर आधे झींगे में गल जाते हैं। झींगे डालने के बाद, मसाले डालने के बाद आधे गल जाते हैं। तो इस तरह उसको प्याज में भून लेना, ढक्कन लगा देंगे ना तो अंदर पानी छोड़ देते हैं हम, और तेल सॉफ्ट कर लेते हैं। ये देखो कितने अच्छे बन गए। अभी इसमें मैं झींगे डालूँगी। ये देखो ये झींगे, और झींगों को भी अच्छे से भून लो उसके अंदर इस तरीके से। अभी हम इसमें डालेंगे 1 चॉप टमाटो, 1 कटा हुआ टमाटा, और सभी मसाले डालेंगे। मसाले में मम्मी ने डाले हैं 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच फिश मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया जीरा पाउडर, और 1 चाय का चम्मच सौंफ पाउडर।
ये सभी मसाले डाल के अच्छी तरीके से भून ले गए, और एक चाय का चम्मच नमक। ये सभी मसाले डाल के अच्छी तरीके से भून ले गए। ये आधी चाय का चम्मच जीरा गया है और एक चाय का चम्मच नमक। इतना भून लेना है कि कच्चे मसालों की स्मेल चली जाए, और जो है 5 से 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे बिना पानी के रख देने का, क्योंकि टमाटर डाली है कवर करके रख देने का। हाँ, आलू आलू डालो, हम टमाटर डालें, टमाटर पानी छोड़ देते हैं, तो ऐसा मिक्स करके उसको मैं ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, बाद में मैं पानी डालूँगी। जैसे सब मसाले अच्छी तरीके से भून लेंगे, उसके बाद इसमें जाएगा 1/2 ग्लास पानी, और पानी डाल के इसमें कवर करके रख देना। तो देखिए मसाले अच्छी तरीके से भून गए, तभी मम्मी ने इसमें डाले 2 छोटी कटी हुई हरी मिर्ची। हरी मिर्ची की खुशबू बहुत अच्छी आती है अंदर, और इसको इसके लिए बाद में डालने के पहले डालने से हरी मिर्ची का खुशबू ख़त्म हो जाती है, इसके लिए बाद में मैंने डाली है। देखो कितना अच्छा बन गया है ये, और ये 1/2 ग्लास पानी डाली हूँ, और ये 1/2 ग्लास पानी में ही पक जाएगा, और फिर इसको मैंने ढक्कन कवर कर दिया, ढक्कन में गल जाएगा, स्लो गैस पर रखेंगे ना। ये देखो कितना अच्छे से बन गया है, बहुत ही इजी सिंपल टेस्टी डिलीशियस थी ये रेसिपी, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे आलू मम्मी चेक कर रहे हैं, तो देखिए एकदम अच्छी तरीके से गल गया है ये, और लास्ट में उसमें हरा धनिया डाली हूँ, लास्ट में हरा धनिया डाल के मिला दो तो अच्छी खुशबू आ जाती है, और फिर डिश आउट कर दी। हाँ, अभी मम्मी ने इसे डिश आउट कर लिए है, अरे बहुत अच्छी बनती है रेसिपी, जल्दी बनती है, टेस्टी रहती है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने घर वालों को बना के खिलाइए। तो हम हमेशा कंफ्यूज्ड होते हैं कैसे सर्व किस में करें, कैसी सर्विंग किए, तो पहले तो मम्मी ने इसमें सर्व किए, फिर बाद में दूसरे ट्रे में सर्व करके भी आपको दूसरे प्लेट में सर्व करके बताया। बहुत ही अच्छी टेस्टी डिलीशियस बनी थी, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और जितने भी लोग न्यू हैं हमारे चैनल पे, तो हम उनको वेलकम करते हैं, वेलकम टू कुक विद फिरोजा। हम लोग रोज़ नई नई रेसिपीज़, यूनिक रेसिपीज़, इजी रेसिपी, सिंपल रेसिपी, डिलीशियस रेसिपी अपलोड करते हैं, तो इसी तरीके से हमारे चैनल को ट्यून ऑन करिए, देखते रहिए, और रेसिपीज़ को लाइक कर दिए, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो कितनी अच्छी बन गई है, देखो कलर भी अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है, और झींगे भी अच्छे बन गए हैं, झींगा आलू की मैंने। आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो इसे खिचड़ी से इंजॉय कीजिए, आप चाहे तो इसे रोटी से इंजॉय कीजिए, जिससे आप खाना पसंद करते हो। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।